हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल ट्रूथ। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग एंड इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में। तो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स हमेशा टाइम पर मिले। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में, कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में और उन रास्तों के बारे में जो कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के एरिया को कम्प्लीटली बदलने वाले हैं। अगर आप प्रोसेस में हो अपने स्पेसिफिक पर्सन को हील करने में, उनके कॉल्स या मैसेजेस को मैनिफेस्ट करने में, या फिर अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप पहले जैसी हो जाए, या आप ये चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक पर्सन का बिहेवियर चेंज हो, वो आपसे ज़्यादा प्यार करें, वो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, या फिर आप जो भी चाहते हो रिलेशनशिप के एरिया में, आज के इस वीडियो में आपको मैं वो सारे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ। अगर आप तक ये वीडियो पहुँची है तो डेफिनेटली यूनिवर्स के साइड से पहुँची है, यूनिवर्स ने आपको दिखाई है, तो इसे ज़रूर फॉलो करना, रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम उन लोगों के बारे में जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप तो है लेकिन फिर भी वो प्यार की कमी को महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जीवन में प्यार नहीं है, वो जितना प्यार अपने स्पेसिफिक पर्सन को देते हैं उन्हें रिटर्न में उतना प्यार नहीं मिलता। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ वर्थ डाउन है और आप बिलीव करते हो कि प्यार दे करके आप दूसरों का प्यार हासिल कर सकते हो, जो कि नहीं हो पाता है उन लोगों के लिए जिनकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ डाउन होती है उनके इनर चाइल्ड के वुंडेड होने से। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगी उन लोगों के लिए। आप ये दो आसान सी चीज़ें करना स्टार्ट कीजिए, आप देखोगे कि सब कुछ बदल गया। पहला अफर्मेशन आप यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, इसे 500 टाइम्स डेली बोलिए। एंड सेकेंड, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, सबको माफ़ कर दीजिए। फॉरगिवनेस कैसे करनी है इसके लिए आपको चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर आप जिस मेथड से फॉरगिव करना चाहते हो आप ज़रूर कीजिए। लगभग हर किसी को माफ़ कर दीजिए। बात करते हैं उन लोगों की जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज हैं तो आपको याद रखना होगा कि आपको अपने पास्ट को हील करना होगा, आपको अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करना होगा और साथ में अपने सेल्फ एस्टीम पे भी काम करना होगा। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ये ऐसा करने से ही जाएगी, क्योंकि अगर आप करंट थर्ड पार्टी को हटा भी लेते हो तो आपके वो पैटर्न्स चूँकि हटे नहीं हैं, इस वजह से आप चाहे किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी पर्सन के साथ में जाओ, आपके पैटर्न्स आपको वहाँ तक फिर से लेके जाते हैं, यानी थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को हील करने पर फोकस करिए एंड अपने अंदर एक ऐसे सेल्फ एस्टीम को डेवलप कीजिए जो कि आपको सपोर्ट करता हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप ये अफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, आई लव यू, आपका नेम, आई रियली 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 लव यू। एंड साथ में आपको बोलना होगा कि मैं हर अच्छी चीज़ पाने के योग्य हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ। आपको अपनी डिजर्विलिटी बढ़ानी होगी। बात करते हैं उन लोगों की जो कि अपने लाइफ में अपने पार्टनर को चेंज करना चाहते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं। देखो, आप चाहे नए पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर अपने पार्टनर में नई चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि उनका बिहेवियर स्वीट हो जाए, काइंड हो जाए, बेहतरीन हो जाए, तो आप इस प्रक्रिया को फॉलो कीजिए। सबसे पहले उन सभी क्वालिटीज़ को लिख लीजिए जो कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर में हों। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर भी हैं। अगर वो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हैं तो अभी से ही उन क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, खुद के लिए, दूसरों के लिए। जैसे मान लो आप चाहते हो आपके पार्टनर काइंड हो तो आपको काइंड बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से ही काम करती है। उसके बाद एक अफर्मेशन आप यूज़ करिए, डिवाइन लव मेरे पार्टनर को मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर बना रही है, एंड थैंक यू सो मच डिवाइन लव। अब मैं आपको कुछ ऐसे अफर्मेशंस बताना चाहती हूँ जो कि आपको हमेशा यूज़ करनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप खूबसूरत रहे। जैसे पहला अफर्मेशन आपको यूज़ करना चाहिए, सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं। ये अफर्मेशन
आपको एक ऐसा पर्सन बना देता है जो कि हर किसी के प्यार के योग्य है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड अफर्मेशन के बारे में। आपको बोलना होगा कि मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ काइंड एंड लविंग लोग ही आते हैं। थर्ड अफर्मेशन आपको बोलना होगा, मैं अपने जीवन से सभी टाइप के टॉक्सिक लोगों को रिलीज़ करती हूँ या करता हूँ। तो ये कंप्लीट वीडियो मैंने आपको दे दी है, अब आप इसमें मौजूद सभी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। आपकी रिलेशनशिप इतनी खूबसूरत हो जाएगी जो कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और ये बहुत जल्दी काम करता है क्योंकि अफर्मेशन सबसे जल्दी काम करते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपके थॉट से होती है और अफर्मेशन पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट में लिखना, और कोई अगर क्वेश्चन हो तो वो भी लिखना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी डेफिनेटली। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल।